बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोग ठीक है खैरियत से? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत पे लेके हाजिर हूँ। अभी जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पिछले 24 घंटों के केसेस बताए गए और इसकी पूरी तफसीलात क्या है आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 14 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के, और अब इन 14 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं 3,04,389 पर्सन को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर 19 मजीद रिकवरीज हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं 2,99,795 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा किसी पर्सन की डेथ नहीं हुई, सेम डेथ से आप लोग देख सकते हैं 4,113 पर्सन की ओमान के अंदर डेथ हो चुकी है। इसके अलावा एक मरीज ऐसा है जो कि पिछले 24 घंटों के दौरान हॉस्पिटलाइज किया गया है, 9 मरीज ऐसे हैं जो कि ओमान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर हॉस्पिटलाइज हैं, और 3 मरीज ऐसे हैं जो कि आईसीयू में दाखिल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो केसेस की तादाद है वो थम रही है, मवाद का लेवल वो बिल्कुल सिफर हो चुका है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल तौर पर जो हदायात है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से आम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के ऊपर वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी भी वर्क करके रखना ताकि जो केसेस की तादाद है सल्तनत के अंदर बिल्कुल सिफर हो जाए। अपने आप को इस वायरस से बचाएँ और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएँ। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी, और इंशाल्लाह जैसे और भी न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।